लगभग एक साल बाद माइक का पोजीशन क्या है ये भी चेक करना पड़ेगा, अंदर अभी चेक नहीं किया। लगभग एक साल बाद आज मोटो व्लॉग कर रहे हैं, कोकराझार में निकल रहे हैं, शाम का टाइम है, आज है तारीख 10 जुलाई। ये अपनी गाड़ी खड़ी है और ये अपना कुछ घर का नज़ारा है। शाम के 6 बज चुके हैं, लेट हो गया है, बट कोई नहीं, चलते हैं, शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से आपका एक नया दिन, मतलब दिन तो ढल चुका है, शाम के 6 बज रहे हैं। अभी वीडियो एडिट कर रहे थे, मतलब शाम को ऑफिस से आने के बाद, ऑफिस ऑफ हो गया था, ऑफिस गए थे, तो आज काफ़ी दिन बाद अपना मोटो व्लॉग सेटअप किया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारा कैमरा ख़राब हो गया था, तो अभी वो काम करना स्टार्ट किया है, तो आज निकले हैं, घुमाते हैं थोड़ा सा आपको शहर, दिखाते हैं आपको कोकराझार के नज़ारे शाम के। अभी थोड़ा घूमने का मन कर रहा है तो घूम के आते हैं, यहाँ से नहीं, पीछे वाले रोड से चलते हैं, या फिर टाउन से चलें, पीछे वाले रोड से ही चलते हैं। अब तो सारे रास्ते याद हो गए, तो डिसाइड करना पड़ता है किस रास्ते से जाएं, किस रास्ते से ना जाएं। एंगल भी टेस्ट हो जाएगा इसमें अपनी आने वाली राइड्स के लिए, और सारा पोस्चर, पोजीशन सब कुछ चेक हो जाएगा। ये हैं हमारे दोस्त। अच्छा जी, तो अभी हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ का एक रास्ता जाता है टाउन मार्केट से, और एक रास्ता जाता है ये बाहर से होता हुआ, जिससे हम टाउन मार्केट का ट्रैफिक अभी जो प्राइम टाइम है, शाम का टाइम है, तो अवॉइड कर देंगे। ये भी रास्ता इन्वेंटेड है, मतलब काफ़ी दिन से देखा हुआ है, अब तो मतलब ये मान के चलिए 1 साल हो गए यहाँ पर, तो कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगा कोकराझार शहर में हमें, कोकराझार के लोग, कोकराझार का कल्चर और यहाँ का इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट एक होता है एटमोसफियर, वातावरण बहुत अच्छा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, एवरीथिंग, मतलब हंसने की बात नहीं है, मजाक की बात नहीं है। GoPro की ये सबसे बड़ी दिक्कत हमें लग रही है, मतलब अभी हम और पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं इसके लिए, वाइड एंगल लेंस है जिसकी कॉस्ट 10,000 रुपीज़ है, और 2 बैटरी और मंगा रहे हैं, एंड्यूरो बैटरी करके होते हैं, आई होप, मतलब मैंने फ्लिपकार्ट पर चेक किया था 2,599 रुपीज़ का है, लगभग 2,600 रुपये का है, और ये GoPro बिल्कुल भी हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, मतलब इतने सारे यूज़र्स से हमने बात किया, किसी के GoPro में इस तरीके का इशू नहीं आता, किसी के GoPro में इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं आती जिस तरीके की प्रॉब्लम हमारे इस एक्शन कैम में आ रही है। हम कहीं और पैसा खर्चा कर दे और उसके बाद ये धोखा दे दे तो भी दिक्कत होगी, लेकिन कोई नहीं, एक GoPro और ख़रीदेंगे, मतलब फुल फ्लेज मोटो व्लॉगिंग सेटअप के लिए 2 GoPro, 1 Insta360 और आपका एक ड्रोन तो होना ही होना चाहिए। तो अभी जो सेटअप है उसी सेटअप से हम व्लॉगिंग करते हैं, मतलब हमारे पास एक आईफोन है और एक ये GoPro है एक्शन कैम जिससे हम मोटो व्लॉगिंग करते हैं, दूसरा है आपका एडिटिंग के लिए एक लिनोवो का i3 12th जनरेशन लैपटॉप है, तो उस पर हमारा पूरा एडिटिंग वर्क हो जाता है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, जितने भी वीडियोस आपने चैनल पर देखे हैं वो हम उसी से एडिट करते हैं, अपना ऑफिस का भी सारा काम उसी से करते हैं। ये लेफ्ट में अपना टाउन मार्केट है और राइट में अपना डेस्टिनेशन है जहाँ हमें जाना है, अभी चलते हैं जाके कुछ लस्सी वस्सी पीते हैं, अंधेरा ज़्यादा हो गया है बट कोई ना, व्यूज़ तो अभी नहीं दिखेंगे, आधा घंटा या 1 घंटा पहले निकलना चाहिए था थोड़ा डिसाइड करने में, और ये इसका सेटअप करने में, जो ये माउंट था और इसका माइक था, एडेप्टर था, जो माउंट थे उसके वो स्क्रूज जो टाइट करते हैं ना वो खो गए थे, तो उन्हें ढूंढते ढूंढते टाइम लग गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं आज 10 तारीख है, 10 जुलाई, कल 11 जुलाई है, परसों 12 जुलाई से हमारी फील्ड विजिट स्टार्ट होंगी, ऑलमोस्ट हमारी हार्वेस्टिंग तो पूरी कंप्लीट हो गई, फील्ड डेज और टेक्निकल ट्रेनिंग सब कुछ कंप्लीट हो चुका है,
बट अभी कुछ नए असाइनमेंट मिले हैं, कुछ हमें सर्वे करने हैं, कुछ डेटा हमें कलेक्ट करना है अदर क्रॉप्स का, जो उनका यील्ड परफॉर्मेंस कैसा रहा है, जो मेज की कुछ अदर वेराइटीज़ जो फार्मर्स ने ग्रो की हैं, हमने दो वेराइटीज़ यहाँ पर डेमोस्ट्रेट की थी, ADV 756, PAC 751, और उसके अलावा जो लोकल फार्मर यहाँ पर, जो अदर फार्मर्स हमारे जो बेनिफिशरीज थे उससे हट के जो फार्मर्स मक्का का प्रोडक्शन करते हैं, तो वो कौन सी वेराइटी को सेलेक्ट करते हैं और उसका यील्ड परफॉर्मेंस क्या रहा है, ये एक डेटा कलेक्ट करना है। और एक डेटा है FAW, ये सीधा रोड चला जाता है भोलपुर, अभी हम जहाँ से लेफ्ट हुए हैं, अगर यहाँ लेफ्ट नहीं मुड़ते सीधे जाते तो भोलपुर, वहाँ SCS कॉलेज है और धुबरी के एरिया में जाके एंटर हो जाता है। अभी हम लेफ्ट आ गए हैं, तो ये पार्टी प्लेस हैं, पिकनिक पॉइंट हैं यहाँ काफ़ी सारे, मतलब शाम को जो माहौल बनाने वाली बात होती है वो यहाँ पर बहुत बनती है, बहुत लोग आते हैं और इंजॉय करते हैं। हमारे भी कई सारे दोस्तों ने हमें रिकमेंड किया है कि इफ़ यू वॉन्ट देन यू कैन। बाकी ये एरिया बहुत अच्छा है, मतलब ये शहर के बाहर का एरिया है और अभी एक फ्लाईओवर पड़ेगा तो वो व्यू पॉइंट है, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग आते हैं शाम के टाइम में, काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ से चारों तरफ जो हमें हिल्स दिखती हैं, मतलब हमारे राइट में, हमारे बैक में, इधर सामने अभी आपको वीडियो में नहीं दिख रहा होगा, तो कभी दिन में आएंगे दिखाएंगे पूरे नज़ारे, पूरा एरिया मतलब हिल्स का और जो वैली व्यू होता है वो सारा यहाँ से बहुत क्लियर दिखता है। पहले भी आ चुके हैं, कई बार आए हैं यहाँ पर, बट पहले कभी व्लॉग इस पर्पस से नहीं आए, कभी हमने ये रिकॉर्ड नहीं किया अपने कैमरा में। लोग फ़ोटो खींचते हैं, लोग रुकते हैं यहाँ, टाइम स्पेंड करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कोकराझार। कुल्फी ट्राई करेंगे या फिर ये लेंगे आपका आधा गिलास लस्सी का लेंगे, और मिलवाएंगे अपने राजस्थानी भाई से ये भी कोकराझार में है। ये देखिए माहौल, एक तरीके का पिकनिक स्पॉट है, बट यहाँ के लोग पार्टी और पिकनिक बहुत करते हैं छुट्टियाँ बहुत मारते हैं। फ्लाईओवर के ऊपर चलते हैं, क्रॉस करते हैं और फिर वापस आएंगे, देखते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखिए सर, कितने लोग रुके हुए हैं, कितने लोग घूम रहे हैं, मस्त है। अच्छा, अभी लाइट नहीं जली है, एक तरफ की लाइट जला दी है, दूसरी तरफ की बंद की हुई है। बेहतरीन, गजब, शानदार। यहाँ पे लोग आते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, खाते पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं और चले जाते हैं। यहाँ से शुरू होता है, यहीं पे ख़त्म होता है चलो चलते हैं वापस अपना कुल्फी फालूदा वाले की शॉप पर। अभी बारिश पड़ना स्टार्ट हुई है ना, बारिश है, बारिश का मौसम है यहाँ पर, तो काफ़ी सारे कीट पतंगे और मच्छर हो गए हैं, बहुत ज़्यादा बारिश होती है यहाँ पर। सुबह से बारिश हो रही थी, कल पूरी रात बारिश हुई है, अभी भी प्रिडिक्शन जो है बारिश का दिखा रहा है और आज भी पूरी रात बारिश होगी, बस अभी ना हो थोड़ी देर लाजवाब, शानदार।
ये जो सामने का पूरा एरिया है ना, यहाँ से ये रेलवे लाइन है नीचे, और आगे आपको पूरे नज़ारे देखेंगे। देखिए अगर कल टाइम मिलता है तो कल यहाँ शाम को जल्दी आते हैं और आपको दिखाते हैं। चलते हैं वापस, अभी हमारी टेस्टिंग भी होगी, रिकॉर्डिंग भी होगी। ये जो बादाम शेक दिख रहे हैं ना, यहीं पर रुकते हैं, देखते हैं क्या है आज इनके पास हमारे लिए। कहाँ गए बेटा? कहाँ गए भैया? भैया कहाँ गए? घर पे। कब गए? कल तो मुलाकात हुई थी उनसे, तो कब आएंगे? क्या पता अब नहीं आएंगे, शायद अभी तो यहीं पे हैं पर वो गाड़ी में नहीं। अभी जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते से वापस नहीं जाएंगे, वापस चलते हैं टाउन मार्केट होते हुए। तो आपको इसी व्लॉग में टाउन मार्केट भी दिख जाएगा, एक छोटा सा मार्केट है कोकराझार का, उसके भी दर्शन आप कर लीजिए। अभी हम जो स्टैट्स देख रहे थे अपने YouTube चैनल का, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, मैक्सिमम बिलोंग्स टू गुवाहाटी आसाम। जो हमारा व्यूअरशिप डेटा आता है ना, उसमें स्टैट्स में ये लोकेशन का देख रहे थे कि किस किस कंट्री से कहाँ कहाँ हमारा व्लॉग देखा जा रहा है। तो 100% व्यूअर्स फ्रॉम आसाम। ये देखो पानी भर रहा है बारिश का, सही रहा यहाँ से नहीं गए थे। ए बाबू, ए सोना, ये टाउन मार्केट स्टार्ट होता है। ये राइट में RNV सिविल हॉस्पिटल है, यहाँ का गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और ये छोटा सा टाउन है अपना। ते तुम्हारी, अभी तो तुम्हें मुड़ना था। इसीलिए हम जाते टाइम उस बाहरी रोड से चले गए थे, जो एक सब्स्टिट्यूट है, एक ऑप्शन है हमारे पास, क्योंकि ये शाम का टाइम है यार, छोटा मोटा ट्रैफिक, मतलब यहाँ के ट्रैफिक को मैं ट्रैफिक मानता ही नहीं। ये हैवी ड्राइवर है। इतना सा है टाउन मार्केट यहाँ के हिसाब से ठीक है, यहाँ के लोगों को जो भी ज़रूरत की चीज़ें यहाँ उपलब्ध हो जाती हैं। बाकी हमने भी शुरुआत से लेकर अब तक यहीं से शॉपिंग की है। Ha ha!
मोस्टली डिटेल व्लॉग बनाएंगे शहर के बारे में, शहर के लिए बहुत कुछ है। और देखा जाए एक तरीके से तो कुछ भी नहीं है। जाते टाइम यहीं से यू टर्न लिया था कि पिछले रास्ते से चलते, यहीं यहाँ तक आ गए थे, यहाँ से हम वापस हुए थे कि इस रास्ते से नहीं चलते, टाउन मार्केट से दूसरे रास्ते से चलते। जबरदस्त, ये देखिए पापी इंसान को, हमारा पंखा ठीक नहीं किया। ही इज माई फ्रेंड, लोकल फ्रेंड। जय बोडोलैंड, जय श्री राम।